ये सब क्या है रोशनी? कौन है ये लोग और आपने इन्हें यहां क्यों बुलाया है? मेरे स्वयंवर के लिए। मेरे स्वयंवर के लिए। स्वयंवर? आपका स्वयंवर? आप हर कहानी में एक राजा और एक रानी होते हैं। अपना राजा ढूंढने के लिए मैंने एक स्वयंवर रखा और काली दुनिया के इन तीन राजकुमारों में से जो भी जीतेगा मैं उससे निकाह करूंगी। रोशनी, दिमाग खराब हो गया है क्या? नवाब साहब से शादी हो चुकी है तुम्हारी। हुई थी अम्मी, फिर मैंने इन्हें छोड़ दिया। क्योंकि खान बाबा आयाना रोशनी के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन काला जिन रोशनी के लिए नहीं। अगर मैं साबित कर दूं मैं काले जिन रोशनी के लिए भी सही हूं तो? कैसे? ये स्वयंवर आपने अपने राजा ढूंढने के लिए रखा है, मतलब जो ये स्वयंवर जीतेगा आप उसे निकाह करेंगे। अगर मैं ये स्वयंवर जीत जाऊं तो? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस स्वयंवर में कौन हिस्सा लेगा उसकी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें आपका नाम नहीं है। गौर से देखिए, इस लिस्ट में मेरा नाम तो है कि अमीफा। ये धोखा है। मोहब्बत, जंग और काले जिनों की दुनिया में सब जायज है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं नवाब साहब, बहुत बड़ा दांव है ये, हार जाएंगे आप। मुझे जो जीतना है उसके लिए तो मैं अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा दूंगा। और मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। और मैं हार नहीं सकता। अमन, तुमने कह तो दिया पर तुम्हारे लिए स्वयंवर जीतना आसान नहीं होगा। उन तीनों जिनों के लिए काले जिन से शादी करना बहुत बड़ी बात है, इसीलिए वो इस स्वयंवर को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे परवाह नहीं था अभी से, सिर्फ इतना पता है कि मुझे उन तीनों को हराना है हर हाल में, रोशनी के लिए। तुम ये सब रोशनी के लिए कर रहे हो पर तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ा खतरा खुद रोशनी ही है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि तुम स्वयंवर में हिस्सा ले रहे हो और काला जिन होने के नाते वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि तुम इस स्वयंवर को जीतो। उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है, हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। कोई काला ताज, कोई स्वयंवर इस बात को झुठला नहीं सकता है। इस लड़ाई में हम सब तेरे साथ हैं अमन, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्वयंवर तू ही जीतेगा।
देखते हैं आप में से कौन मेरा शौहर बनने के लायक है। मैजिकल वर्ल्ड में आपको चैलेंज की सारी जानकारी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। मेरी मैजिक बॉल तो आई नहीं है, मैं भी तो स्वयंवर का हिस्सा हूँ। मैंने आपको बताया था ना, आपने लिस्ट में नाम देने में थोड़ी देरी कर दी, और मैंने चैलेंज की तैयारी कर ली थी इन तीनों के लिए। सो बैड लक। शुक्र मनाइए नवाब साहब, आप बच गए। वैसे भी आपके बस की बात नहीं है। मुकाबले के लिए तैयार हैं आप लोग? बेशक। ये मेरा बनाया चांद है, जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। चांद का टुकड़ा? मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा? ये कैसे मुमकिन है? जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दे वही मेरा शौहर बनने के लायक है। रुबीना, अब क्या करेंगे? कोई तो और तरीका होगा। अमन, इससे ट्राई कीजिए। आप इससे चांद को अपनी तरफ खींच भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। सारे चांद। चांद का टुकड़ा बाद में तोड़िए नवाब साहब, पहले असली चांद को ढूंढ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं नवाब साहब कि बाकी के चार चांद नकली ही नहीं खतरनाक भी हैं। अगर गलती से भी आपने गलत चांद चुन लिया तो वो आपकी जान भी ले सकता है। बहुत खूब जादूगर, मैं तुम्हारी इस चलाकी से काफी इंप्रेस हुई। रुबीना, कोई तो रास्ता होगा, सोचो। क्या हुआ? नहीं होगा। जादूगर बिल्कुल सही कह रहा था, आप इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लायक ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास वक्त है। मुकाबले से पीछे हट जाइए और अपनी बेइज्जती कराए बिना वापस अंदर चले जाइए। आपको हार नहीं सकता तो हार कैसे मान लो? हार नहीं भी मानेंगे तो भी आपकी हार पक्की है।
अमन अमन जल्दी कीजिए वरना वो जादूगर जीत जाएगा। पर क्या करे रेहान, पता तो चले इसमें से असली चांद कौन सा है। अच्छा गया नवाब साहब जो चांद को करीब ले आए, हमारा काम आसान कर दिया। सिंह साहब, भाई आप जादू से इस चांद के टुकड़े को तोड़ने की कोशिश कीजिए। बाजीगर की अमीफा, की अमीफा, अमन चांद अभी भी तुमसे बहुत दूर है, इसीलिए तुम्हारा जादू वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब मुझे खुद चांद पर जाना होगा। नहीं अमन, चांद जिन्हों को कमजोर बना देता है, आपका वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। हाँ भाई, नताशा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ये रिस्क मत लीजिए। रिस्क ना लेना और भी बड़ा रिस्क होगा। अगर मैं ये मुकाबला हार गया तो रोशनी को हमेशा ले खोदूंगा। रोशनी को नहीं खो सकता, रोशनी के बिना मरने से अच्छा है रोशनी के लिए अपनी जान दे दूं। या अल्लाह, मेरे इस डोंकी फ्रॉम समवेयर की मदद करना। पर भाई चांद पर कैसे जाएंगे? अमन कार में जाएगा।
अमीफा। अमन जम गया। गिरगिट ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती है और चांद का टुकड़ा ठंडा होता है इसीलिए वो जम गया। बहुत अच्छा हुआ कमबख्त कहीं का नास पीटा, बड़ा आया था मेरी लाडो से शादी करने। मैं जमीन के चांद के लिए आसमान के चांद का टुकड़ा लेकर आया। चांद का टुकड़ा मैं भी लाया। आपको चांद के टुकड़े और एक कद्दू में फर्क नहीं नजर आता है क्या? कद्दू? मैं चांद का टुकड़ा लाया था, उसे फल में इसने जादू से किया है। कोई बात नहीं, मैं फल को वापस चांद का टुकड़ा बना सकता हूँ। एक मिनट,
चैलेंज का समय पूरा हो चुका है। मैंने कहा था ना, जो भी सबसे पहले चांद का टुकड़ा लेके आएगा वही ये चैलेंज जीतेगा, और उस हिसाब से जीत जादूगर की हुई है। नहीं रोशनी, चांद का टुकड़ा तो मैं भी लाया था, इसने चीटिंग की है। चीटिंग तो आपने भी की थी इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए, और फिर पौने जिनको भी इस मुकाबले से हटाने में आप ही कहा था, और आपने ही कहा था ना कि प्यार जंग और जिनों की दुनिया में सब जायज है। लेकिन रोशनी, काला जिन कंपटीशन तो मैंने भी पूरा किया है, किया मीफा, आपके लिए भले ही ये मेरी जीत ना हो लेकिन मेरे लिए ये मेरी हार भी नहीं है। रोशनी, तुमने स्वयंवर रखा है, तुम्हें उसके कायदे भी मानने पड़ेंगे। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तोरो जान के टुकड़े अमन ही लेकर आया था। हाँ, रोशनी, बिल्कुल। हाँ। और इस हिसाब से ना जीत जादूगर की नहीं, अमन की हुई है। हाँ, अमन ही जीता है रोशनी, और आपको अमन भाई को एक मौका और देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ रोशनी, ठीक है, तो अब मैं दूसरा चैलेंज दूंगी। एक और चैलेंज जो आखिरी भी होगा और सबसे मुश्किल भी, देखते हैं वो आप कैसे जीतते।